वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरकार मुंबई पुलिस ने तनिषा शर्मा की प्रेगनेंसी के ऊपर उठ रहे सवालों पर पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा बयान देकर सभी की चुप्पी बंद कर दी है। जी हां दोस्तों, कई सवालों को मुंबई पुलिस ने अपने जवाब से शांत किया है, क्योंकि उन्होंने यहां पे एक बहुत बड़ी बात बोली है तनिषा शर्मा की प्रेगनेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिनमें से एक प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी था। वेल दोस्तों, क्या कहा है ऐसा मुंबई पुलिस ने, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीना तनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद से ही कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी और कई सारी वजहों को ये माना जा रहा था कि तनिषा ने शायद इस वजह से अपनी जान दी हो, जिनमें से एक वजह थी कि शिजैन मोहम्मद खान के साथ वो कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थी और वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन एन मौके पे शिजैन ने उनका साथ छोड़ दिया और यही गम जो है तनिषा शर्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने जान दे दी। लगातार इस तरह के आरोप शिजैन के ऊपर लग रहे थे कि तनिषा प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मीडिया ने मुंबई पुलिस से ये सवाल किया और इस सीधे सीधे सवाल के ऊपर मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया, जिसके बाद से ही हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वेल, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपना जवाब देते हुए ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें मौत की वजह को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। उन्होंने अपने मेकअप रूम में बैंडेज से अपनी जान दी, अपने गले में फंदा बनाया और यही वजह रही दम घुटने की वजह से उनकी जान गई। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम आ चुका है, जिससे कहीं से भी ये बात नहीं बताई गई है कि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की बात को मुंबई पुलिस ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप था लेकिन जो तनिषा है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। यानी कि दोनों का रिलेशनशिप म्यूचुअल कंसर्न से तो नहीं, लेकिन शिजैन की मर्जी से ख़त्म हुआ और यही सदमा तनिषा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बात भी मुंबई पुलिस ने साफ की है कि लंबे समय से तनिषा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार थी और इसी के चलते एक और गम जो उनका इकलौता सहारा, उनका प्यार शिजैन थे, जैसे ही उन्होंने उनका साथ छोड़ा तो एक और गम, एक और दुख तनिषा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। क्या कहेंगे आप इस पर, हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर।